स्टूडेंट्स, हम डिजाइन करने जा रहे हैं डिजाइन ऑफ द आइस इंजन पार्ट्स। आइस इंजन का आपने चैप्टर पढ़ रखा होगा, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। उसमें से हम क्या करते हैं, मेजर पार्ट्स की क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो इसमें हम मेजर पार्ट्स कौन कौन से आते हैं, सिलेंडर एंड सिलेंडर हेड, सेकेंड पिस्टन, थर्ड कनेक्टिंग रॉड, फोर्थ क्रैंक और फिफ्थ आता है वाल्व गियर मैकेनिज्म। तो इसमें हम पहले डिजाइन करेंगे सिलेंडर एंड सिलेंडर हेड की। तो इसमें से हम बता दें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1, 2, 3, 4 चार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। इसका मुझे स्पेशली इसी की डिजाइन करनी है। तो इसमें हम देख फर्स्ट हम करेंगे सिलेंडर एंड सिलेंडर हेड के डिजाइन के लिए। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट आता है लाइनर्स। लाइनर्स में देख लीजिए, हमारे पास एक सिलेंडर है, इसके ऊपर से हमारा क्या लगा हुआ, सिलेंडर हेड लगा हुआ है। दिस इज द सिलेंडर एंड दिस इज सिलेंडर हेड। इनको हम क्या करते हैं, टाइट किया जाता है बाय द बोल्ट और स्टड के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख लीजिए सिलेंडर किनारे वाटर जैकेट लगे होते हैं, ठीक है। जो भी वाटर जैकेट अगर डायरेक्ट टच में होता है सिलेंडर के, तो इसमें जो लाइनिंग बनती है इसको हम बोलते हैं वेट लाइनर्स। और अगर इस लाइनर के अलावा कोई अदर पार्ट आ जाता तो उसको हम बोलते हैं ड्राई लाइनर्स। यहाँ देख लीजिए ग्रीन कलर का है, ये क्या है, दैट इज द ड्राई लाइनर्स। तो फर्स्ट हम डिजाइन करते हैं, फर्स्ट पार्ट हमारा आ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट आएगा सिलेंडर स्ट्रोक एंड बोर्ड डायमीटर। तो हम देख लेते हैं, हम जानते हैं सिलेंडर स्ट्रोक क्या होता है, मोमेंट ऑफ द पिस्टन फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर, जितना मोमेंट होगा उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। जैसे यहाँ से चलना शुरू किया यहाँ तक गया, दैट इज द स्ट्रोक। बोर्ड डायमीटर, सिलेंडर जो इनर डायमीटर होता है उसको हम बोर्ड डायमीटर कहते हैं। अब इसकी थिकनेस देख लीजिए टी है, और यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास बोल्ट है या स्टड यहाँ लगाया जाता है। स्टड के सेंटर से दूसरे स्टड के सेंटर के डिस्टेंस जो होती है इसको हम बोलते हैं पिच सर्कल डायमीटर। तो डीपी से हमने डिनोट कर दिया। और इसका फ्लैंज देख लीजिए, जो इफ पार्ट आ रहा फ्लैंज, सिलेंडर का जो फ्लैंज है इसकी थिकनेस हमने टी एफ से डिनोट किया है। और जो सिलेंडर हेड का जो ये पार्ट है इसकी जो थिकनेस होती है इसको हम डिनोट करते हैं टी एच से। जो हमारे फ्लैंज से सिलेंडर के वन फ्लैंज से दूसरे फ्लैंज के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं आउटर डायमीटर, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, सिलेंडर स्ट्रोक एंड बोर्ड डायमीटर में स्ट्रोक टू बोर्ड डायमीटर रेशियो कितना होता है, एल बाई टू रेशियो। हम 1:2 कब कंसिडर करेंगे, जब हम आई सी इंजन के लिए डिजाइन करेंगे। अगर इसकी वैल्यू हम 1 लेंगे तो हम डिजाइन करेंगे एयरकूल्ड एयरक्राफ्ट इंजन के लिए। इसके अलावा जितने भी इंजन हमको डिजाइन करनी होगी उसमें हम एल बाई डी के रेशियो लेते हैं 1.2 to 1.35। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इंडिकेटर पावर ऑफ द इंजन। आपने आई सी इंजन पढ़ रखा होगा इंडिकेटर पावर इक्वल्स टू PMLN डिवाइड बाई 60 × 10,000 kilowatt। तो PM क्या है, मीन इफेक्टिव प्रेशर, लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड N इज द नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक। अब नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक फॉर द फोर स्ट्रोक इंजन, फोर स्ट्रोक इंजन के लिए इसकी वैल्यू होती है N इक्वल्स टू कैपिटल N डिवाइड बाई 2, और टू स्ट्रोक के लिए इसकी वैल्यू होती है N इक्वल्स टू कैपिटल N। नेक्स्ट हमारी वैल्यू आती है ब्रेक पावर के लिए हम फाइंड करते हैं। तो हम जानते हैं वी नो दैट मैकेनिकल इफिशेंसी इक्वल्स टू ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। तो ब्रेक पावर इक्वल्स टू इंडिकेटेड पावर इंटू मैकेनिकल इफिशेंसी। इंडिकेटेड पावर इक्वल्स टू PMLN डिवाइड 60 × 1,000 इंटू मैकेनिकल इफिशेंसी। मैकेनिकल इफिशेंसी और मीन इफेक्टिव प्रेशर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो बाकी सेम रहेंगे, इसका इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको मिल गया ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू एल इंटू ए इंटू एन डिवाइड बाई 60 × 10³। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मैक्सिमम गैस प्रेशर। सिलेंडर में जितना गैस रहती है जो सिलेंडर के सरफेस से प्रेशर लगाती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है PMAX इक्वल टू 10 × PBM। ए 9 से 10 तक वैरी करती है, यहाँ पर हमने लिख रखा है 10 PBM, इसकी वैल्यू 9 to 10 वैरी करती है। सेकेंड पॉइंट हमारा थिकनेस ऑफ सिलेंडर वाल। तो हमने मॉस में पढ़ रखा है तीन प्रकार के स्ट्रेस डेवलप होते हैं, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, रेडियल स्ट्रेस। इसमें ड्यू टू द गैस और पिस्टन के स्ट्रोक कारण एक स्ट्रेस और डेवलप हो जाता है जिसको हम बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस, यहाँ पर हम इसको नेगलिजिबल मान के चलते हैं। तो हुप स्ट्रेस फार्मूला हमारा क्या बनता है, हुप स्ट्रेस हमने मॉस में पढ़ रखा है PD डिवाइड बाई 2T एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इक्वल टू PD डिवाइड बाई
40। तो सिमिलर फार्मूला यहाँ पे सर्कमफेरेंस लेके स्ट्रेस इक्वल टू पी मैक्स इंटू टी डिवाइड बाई 2t, सिग्मा टी इक्वल टू पी मैक्स इंटू टी डिवाइड बाई 4t, रेडियल स्ट्रेस इक्वल टू माइनस पी मैक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिजल्टेंट स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द सिलेंडर। किसी भी सिलेंडर में रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होगा? तो रिजल्टेंट स्ट्रेस इसमें होता है सिग्मा आर इक्वल टू सिग्मा सी माइनस न्यू इंटू सिग्मा आर प्लस सिग्मा एल। तो इसको न्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा सी इक्वल टू हो जाएगा सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, न्यू होता है पॉइसन रेशियो। पॉइसन रेशियो को अगर हम डिफाइन करें तो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है उसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई न्यू से कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है थिकनेस ऑफ द सिलेंडर वॉल। सिलेंडर वॉल की मुझे क्या करनी है, थिकनेस फाइंड करनी है। तो हमने यहाँ पे देखा था सिग्मा सी इक्वल टू पी मैक्स इंटू टी डिवाइड बाई 2, यहाँ से हम टी इधर कर लेते हैं, क्या आपको मुझे पी मैक्स इंटू टी डिवाइड 2 सिग्मा सी। सिग्मा सी को हम क्या करेंगे, सिग्मा अलाउबल में हम कन्वर्ट कर देंगे। सिग्मा अलाउबल क्या होती है, अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर द सिलेंडर वॉल। तो टी की वैल्यू निकाल लिया, टी इक्वल टू पी मैक्स इंटू टी डिवाइड 2 सिग्मा अलाउबल प्लस C1। तो इसमें हम क्या करते हैं, फॉर बेटर डिजाइन के लिए रिबोरिंग फैक्टर C1 इधर रिबोरिंग फैक्टर हम क्या करते हैं इसमें ऐड कर लेते हैं। तो जो हमारा सिग्मा अलाउबल स्ट्रेस होता है, जनरली हमारे जो इन सिलेंडर बनते हैं कास्ट अरेंज बनते हैं या ग्रे कास्ट अरेंज बनते हैं या इसका एलाय बनता है। तो जो इसको हम अगर कास्ट आयरन का हम सिलेंडर ले रहे हैं तो इसका सिग्मा अलाइबल की वैल्यू होती है 35 to 70 न्यूटन पर mm². और C1 हमारा होता है रिबोरिंग फैक्टर। रिबोरिंग फैक्टर डिपेंड करता है सिलेंडर के बोर डायमीटर पे। कैसे डिपेंड करता है, इसको इस टेबल के द्वारा देख लीजिए। अगर हमारा बोर डायमीटर अप टू 75 है तो रिबोरिंग फैक्टर होता है 1.5। अगर 75 से मोर 100 हो तो इसकी वैल्यू हो जाती है 2.3। फिर 150 तक 4.0, 200 6.0, 250 7.0 एटसेट्रा। लास्ट में हम देख लें अगर इसकी वैल्यू 450 हो रही है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 12.5। नेक्स्ट आप आ जाइए थिकनेस ऑफ सिलेंडर फ्लेंज। थिकनेस ऑफ सिलेंडर फ्लेंज हमारे पास हमने बता दिया था, जो हमारा सिलेंडर का फ्लेंज होता है, जो सिलेंडर के फ्लेंज है इसकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू होती है 1.2 to 1.40। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा थिकनेस ऑफ सिलेंडर हेड। थिकनेस ऑफ सिलेंडर हेड के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं TH इक्वल टू K1D पी मैक्स डिवाइड बाई सिग्मा अलाउबल H। तो इसको आप देख लें सिग्मा अलाउबल H की मीन्स क्या होता है, अगर सिग्मा अलाउबल था तो क्या था, अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर द सिलेंडर, हमने H यूज कर दिया तो क्या हो जाएगा, अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर द सिलेंडर हेड मटेरियल। तो अगर हमारा मटेरियल सिलेंडर हेड पर अगर कास्ट आयरन का बना है इसकी भी वैल्यू हो जाती है 35 to 70 न्यूटन पर mm². K1 हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट K1 की वैल्यू आपको हो जाएगी 0.3 to 0.4 हो जाती है। फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है डायमीटर ऑफ बोल्ट आर स्टड। इसको आप देख लीजिए हमारा किस मटेरियल बना होता है बोल्ट स्टड, निकिल स्टील या निकिल क्रोमियम स्टील के बने होते हैं। इसके इक्वेशन देख लीजिए, इन केस ऑफ द फोर्स अगर हम π/4 d² P max इक्वल टू n × π/4 dc² × σ tb, तो गैस कितना प्रेशर लगाएगी, कितना फोर्स लगाएगी, इसका फोर्स प्लस नंबर ऑफ स्टड्स कितने, उसको हम क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आप डीसी की वैल्यू निकाल लीजिए, dc d√PMax/n × σ tb। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डीसी, डीसी इज द कोर डायमीटर एंड टीबी इज द नॉमिनल डायमीटर, व्हाट इज दिस। तो इस फिगर से आप देख लीजिए, अगर हमारे पास हुक है इस पे हम क्रशिंग स्ट्रेस लगा दें या टेंसाइल स्ट्रेस लगा दें तो जो इसकी डायमीटर होती है रिवेटेड पार्ट कि जो डायमीटर होते हैं इसको हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ कोर। मतलब थ्रेडेड जो पार्ट होता है इसका डायमीटर होता है कोर डायमीटर, क्योंकि हम अगर फोर्स लगाएं यहाँ स्ट्रेस मशीन फाइंड करना तो लोड अपन क्रॉस सेक्शन ले रही है, क्रॉस सेक्शन π/4 dc² dc² इज कंसिडर द कोर डायमीटर, दिस इज द थ्रेडेड पार्ट। नेक्स्ट अगर हमने किसी प्लेट को ज्वाइंट कर दिया है स्टड या बोल्ट से तो इसका देख लीजिए, हमारी एक वन प्लेट वन प्लेट टू इसको हम ज्वाइंट कर रहे हैं, इसकी जो डायमीटर ये वाली जो डायमीटर होती है इसको हम डिनोट करते हैं dbc, दैट इज नोन एज द नॉमिनल डायमीटर।
तो अगर सीयर स्ट्रेसिस पे लगेगा, सीयर स्ट्रेस पी अपन है ए इज द पाई बाई फोर डी बी स्क्वायर। तो डी बी स्क्वायर में डी बी आप देख लीजिए अनथ्रेडेड, कौन सा पार्ट आ रहा अनथ्रेडेड, इन केस ऑफ द कोर डायमीटर थ्रेडेड डायमीटर। तो थ्रेडेड डायमीटर हमारा डी सी हो जाता है और अनथ्रेडेड डायमीटर को हम बोलते हैं डी बी, जो हमारा होता है बोल्ट का डायमीटर नॉमिनल डायमीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, अब इसका रिलेशन आप देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे देखते हैं डी बी इक्वल टू डी सी अपन 0.48, दिस इज द रिलेशन बिटवीन नॉमिनल डायमीटर एंड कोर डायमीटर। तो फिर सिग्मा टी बी, सिग्मा टी बी क्या शो करता है एलोबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर बोल्स आर स्टेट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। डी हमारा बोल्ट डायमीटर है, पहले से हमें पता है ये निकल टू नंबर ऑफ बोल्ट्स आर स्टड्स, कितने हमारे नंबर ऑफ बोल्ट्स आर स्टड्स लगे हुए हैं ये हम यन बताता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे स्टड हो या बोल्ट हो, जैसे वन इधर टू, वन अदर साइड वन अदर फोर, वन अदर साइड थ्री, पेयर ऑफ थ्री थ्री सिक्स हो सकते हैं। तो जितने भी होंगे उसको हम क्या कहते हैं यन से डिनोट कर, नंबर ऑफ बोल्ट्स आर स्टड्स। इसके लिए फार्मूला क्या होता है डी बाई 100 प्लस 4 टू डी बाई 50 प्लस 4, इसकी वैल्यू यन की वैल्यू इसके उसके बीच में आती है। अगर इसकी वैल्यू आर आ गई और उसकी वैल्यू क्या यन की वैल्यू अगर लेस देन 16 है, 16 से कम होती है तो हम क्या कहते हैं 16 कंसीडर कर देते हैं। इसकी मिनिमम वैल्यू हम कंसीडर करेंगे 16, जैसे मान लो 13 आ गई 14 तो हमने क्या कहते हैं 16 हो ले लेते हैं, अदर अगर ज़्यादा है तो इसे कंसीडर कर लेते हैं। सो डी वी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 16। सिक्स पॉइंट हमारा था डायमीटर ऑफ बोल्ट स्टड आर पिच सर्कल एंड द फ्लैंज। तो इसमें हमें क्या करना द डायमीटर ऑफ द स्टड पिच सर्कल, स्टड पिच सर्कल हमने आपको दिखाया था यही हमारा स्टड पिच सर्कल है। डी पी हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमारा फार्मूला बनता है डी पी कस टू डी प्लस 3 डी बी। थ्री डी बी हमारा क्या है नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट आर स्टड, डी इज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। यहाँ से हम इसको डी पी फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट हम आउटसाइड डायमीटर ऑफ द फ्लेंज, आउटर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर मुझे फाइंड करना है, उसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं डी पी प्लस 2 डी बी प्लस 12 अलग से हम क्या करते हैं इसमें ऐड कर लेते हैं, इसकी वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है पॉइंट 7 हमारा आता है पिच ऑफ बोल्ट्स, पिच ऑफ बोल्ट्स की वैल्यू वेरी करती है 19 अंडर रूट डी बी इज लेस देन आर इक्वल टू पी बी इज लेस देन आर इक्वल टू 28 डी बी। ये क्या होता है एक तरह से सर्कुलर पिच होता है, सर्कुलर पिच आपने हमने पढ़ा होगा पाई डी बाई नंबर ऑफ टीथ होता है, इनके सब देखिए यहाँ तो नंबर ऑफ बोल्ट हो जाएगा दैट इज नोन एज पी बी ओ। इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करने के बाद इसकी रेंज में वैल्यू आनी चाहिए, अगर इसके रेंज में वैल्यू आनी चाहिए तो हम आ गई तो हमारा सिलेंडर क्या हो जाएगा सेटिस्फैक्ट्री हो जाएगा और डिजाइन हम इसको इस पार्ट्स जितने भी डायमेंशन हैं इस डायमेंशन लेकर के हम क्या करेंगे अपने सिलेंडर की डिजाइन हम कर सकते हैं। जैसे हमारा सिलेंडर है तो जितनी भी वैल्यू है इसमें आ जाएगा तो हम इस सिलेंडर की डिजाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।